महंगाई के बारे में तो आपने भी रहे हैं, आसमान पर टांग रखा सब के में। 10 साल में कोई नया आदमी आओगा नहीं, कोई भी न पार्टी नहीं, आदमी नया आदमी आओगा तो काम भी करेगा कि मिनकी में नहीं, और वह करेगी तो मरोड में आओगी। क्या हुआ तो मोदी भाई कोई दो राय नहीं इस बात में, हम तो कितना सोच लिया, ना मैं किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा, ना मैं कांग्रेस ही, ना मैं कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं है, बट भाई जो भी आओ काम करो भाई, हमें तो यह रिक्वेस्ट करा सब। आपने देखा ये 10 साल तो, और 10 साल एक नीति तो इसी है जो के नाम से ठीक हो, मतलब 100 गलत भी तो है। तो जी नमस्कार, स्वागत है आपका K9 मीडिया में, मैं आपका दोस्त रोहित लांबा। और चुनावी यात्रा में आगे बढ़ते हुए अब हम आ गए हैं भिवानी लोकसभा के एक क्षेत्र सिवानी में। यहाँ पर लोगों से पूछेंगे क्या है लोगों की राय, पिछले 10 सालों में कितना काम हुआ है कि नहीं हुआ, आगे आने वाले 5 साल में किसकी हो सरकार और क्या हो आम आदमी के लिए काम, क्या सोचते हैं यहाँ के लोग, पूछ लेते हैं इनसे। आइए, यहाँ पर एक दुकान है, यहाँ पर बैठे हुए लोग, इनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि क्या चाहते हैं आने वाले चुनाव में। भाई साहब राम राम। राम राम जी। राम राम। ठीक हो भाई साहब? बढ़िया जी, मौज बार है जी, आप बताओ। भाई साहब अब चुनाव है 1.5-2 महीने बाद लोकसभा का, आगे आने वाली 5 साल में सरकार जो भी हो, कोई भी किसी भी की भी आए, वो आप लोगों के लिए क्या करे जिससे आपकी ज़िंदगी अच्छी हो। देखिए जी, हरियाणा में 25 मई के चुनाव है शायद, छठे चरण में मैंने देखी थी न्यूज वो, और लगभग 6 प्रत्याशी तो बीजेपी सरकार ने घोषित कर दिए हैं, बाकी एक कुछ क्षेत्र का जो इंडिया गठबंधन है उनका प्रत्याशी सुशील गुप्ता जी वहाँ से हैं, और बाकी अपना अभी किसी ने की है कौन जी प्रत्याशी। चुनावी समीकरण तो भाई साहब ये बात है, एक बार सब जब कैंडिडेट आ जाएंगे ना सारी पार्टियों के, चुनाव का नहीं पूछ रहा मैं, तो बोल रहा हूँ कि 5 साल में सरकार क्या काम करे आपके लिए जिससे जिंदगी अच्छी हो जाए, सुविधा। देखो जी, काम तो बहुत है करने के। भाई बताओ क्या करने चाहिए। सरकारों ने, पिछलियों ने भी किया काम, और भी करने चाहिए जी। एक तो युवा है जो अपने बेरोजगार बहुत है जी, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है युवाओं के पास में, उनके लिए रोजगार नहीं है सबसे बड़ा कारण। तो जब युवा ही अपना ठीक होगा तो उनका भविष्य सुधरेगा, तभी देश तरक्की करेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है जी, विदेश जा रहा है जी युवा हमारा, यहाँ रोजगार नहीं इसलिए जा रहा है। ठीक है जी, पढ़ाई की बात है अपनी, गवर्नमेंट स्कूलों को बेटर करे ताकि आम जो अपने किसान हैं उनके बच्चे भी बढ़िया पढ़ाई कर सकें, आगे बढ़िया जॉब मिल सके उनको भी। ठीक है जी, मेडिकल जो अपनी लाइन है उसमें सरकार से विनती है, जो भी सरकार आए उसको हिंदी हमारी भाषा उसमें हिंदी कर दे, ताकि कोई मीडियम भी बच्चा है वो भी मेडिकल लाइन में जा सके। और रोड है अपना वो बढ़िया करें ताकि कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो। ठीक है, और पूछो जी आप जो पूछना चाहेंगे। क्या लग रहा है आपको, अब 10 साल पूरे हो गए, उम्मीदों पर खरी उतर पाई कि नहीं उतर पाई सरकार? देखो जी, दोनों सी प्रतिक्रिया होती है, किसी की उम्मीद क्या है, किसी की उम्मीद है, किसी के लिए खरे उतरे, किसी के लिए नहीं उतरे जी। ठीक है, उम्मीदों आपका क्या पर्सनल व्यू है? कोई भी सरकार खरी नहीं उतरती जो उम्मीदों पे, जो वादे करती हैं वो तो कोई भी सरकार है वो नहीं खरी नहीं उतरती। अब सेंटर में सरकार बदलनी चाहिए या फिर यही रहनी चाहिए? देखो जी, अपना सरकार तो मैं आपको यही बताऊं कि कैंडिडेट आने पे डिपेंड करें, कई लोग तो पार्टी के प्रधानमंत्री के तौर पर आप देखें रहने चाहिए कि बदलने चाहिए? पक्ष तो है ही नहीं जी, बदले कहाँ से गी, कहाँ है विपक्ष, आपको पता ही है सारा, विपक्ष है नहीं, बदले कहाँ से, यही यानी सरकार है ना, इंडिया गठबंधन बनाया हुआ है लोगों ने, इंडिया गठबंधन अलग अलग पार्टियां। नहीं नहीं, अदर वही चीज है जी, वो अलग चीज हो जाती है। इंडिया गठबंधन में कहाँ है, केजरीवाल जी तो आज जेल में चले गई, उनसे ही बहुत ज्यादा सहमति नहीं जुड़ेगी लोगों से उनकी, अब जी सहमति नहीं जुड़ेगी लोगों से, सहानुभूति नहीं होगी क्या भाई, जेल में डाल दिया उनको जिताएंगे अब? ना, ऐसा कुछ नहीं होता जी, ऐसा नहीं होता। हाँ, जुड़ तो जाएगी लेकिन यहाँ नहीं जुड़ेगी लोग दिल्ली में। हाँ, वहाँ तो जुड़, वहाँ तो है ही जी, वो तो सरकार बनी पड़ी उनके, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई साहब राम राम। नमस्ते भैया। भाई साहब आपको क्या लग रहा है क्या करे सरकार आने वाले 5 साल में आपके लिए, आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, जिससे आपकी जिंदगी में सुविधाएं बढ़े? सर क्या करे, सबसे पहले तो मैं ट्रैवल ज़्यादा करता हूँ, मेन सड़कें तो सुधरी हुई हैं, पर उससे टोल टैक्स इतना वसूल लेते हैं वो पूछो ही ना, मामला खराब हो जाता है। कभी तो टोल टैक्स कर रहे हैं, कभी किसान आंदोलन बैठे हैं वो मेन रास्ते से अपन नहीं जा सकते, कभी कुछ हो रहा है, जो अपन छोटे सड़क लेते हैं वो उसकी हालत पूछो ना। लोकल रोड्स अच्छे नहीं हैं, लोकल रोड्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और ये है कहीं देखा अपन ने लोकल रोड सुधार दी वहाँ पे भी टोल टैक्स बिठा दिए, इनका वो भी भरोसा नहीं है भाई। अच्छा, टोल टैक्स ज़्यादा वसूल रहे हैं? ज़्यादा तो क्या वसूल रहे हैं, जितनी से दे रहे हैं उस हिसाब से सही वसूल रहे हैं, लेकिन भाई
कई हद पे वो गुंडागर्दी लगती है। आपने पीछे देखा था शायद, मीडिया वालों को मारा था, क्या हुआ था टोल टैक्स पे जी। और आप क्या करते हो, खुद क्या करते हो? सेल्स का काम है भाई अपना, इन्वर्टर बैटरी का। तो आपकी लाइन में मतलब पिछले 5 सालों में 7 सालों में 10 सालों में काम हुआ है, मतलब कोई इनकम सोर्स बढ़े हैं? भाई हमारी लाइन को देखेगा तो कट कम लगे तो इनकम सोर्स तो कम ही हुआ है भाई। अच्छा, इनकम सोर्स कम हुए हैं, महंगाई बढ़ी है? महंगाई बढ़ी है, फिलहाल कट कम लगे हैं। अच्छा, महंगाई का फर्क आया है कि नहीं आया, मतलब महसूस होती है कि नहीं होती? होता है भाई, मेरे को पिछला पता नहीं, मेरे को भी इतना टाइम नहीं हुआ भाई। अभी 5 साल में तो पता, मतलब पेट्रोल डीजल कुछ और सिलेंडर विलेंडर सारे चीजें, सिलेंडर महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा महंगा भाई? अपना सिलेंडर विलेंडर का तो कोई काम है नहीं, वो तो खुद करते हैं। घर में तो आता होगा, मम्मी पापा लाते हैं भाई, उसका अपने को पता नहीं है। अच्छा, पेट्रोल का मेरे को धीरे धीरे महसूस होता है, कभी 95 होता है, कभी 104 जाता है, फिर चुनाव पास आते हैं फिर 95 आ जाता है, चुनाव हट जाते हैं फिर 102 103। अच्छा अंकल जी, राम राम। नमस्कार दोस्त, कैसे हो? ठीक हूँ अंकल जी, तो मैं पकड़ लूँगा। बिल्कुल जी, क्या लग रहा है, चुनाव आ गए हैं, आने वाली सरकार 5 साल में आपके लिए क्या करे जिससे आपकी जिंदगी अच्छी हो जाए? भाई अच्छी हो जाए, जितना सरकार आ जाए नहीं, चाहे बीजेपी की आओ, किसी की भी आ जाए, आपके लिए क्या करे? हाँ। मेरे लिए तो नाम सारा सबके लिए करे, एक मेरे लिए मैं के मांगूंगा? सबसे पूछ रहे हैं ना भाई। हाँ। आपकी जिंदगी में क्या हो, तभी तो मैनिफेस्टो बनेगा। पहली बात तो सरकार आवे कुकरगी, मारा कहना तो किस तरह होगा, हमने तो मशीन ने वोट दे के आने। सही बात है भाई, मशीन को वोट दे के आने हमने, हमारा तो वोट के नाम से अधिकार ही कोई वोट देने का, क्योंकि पीछे आंकड़े देखे है आपने, किसी बूथ पे वोट तो हो 104 और पोल हो जी 180, तो वो कहाँ से आवे है मेरे समझ में, दिया कौन आंदी इतनी बता दो, बाकी तो हमें बाद में सोचांगे। और बात तो भाई मारा खातर के करे, ईवीएम में गड़बड़ी है मतलब? हाँ मन तो लागे, मतलब बीजेपी अपने आप वो करवा लेती है, बीजेपी का और आम आदमी पार्टी का और क्या है, गाता पान बेरा एक उन्हें तो कंधे एक उन्हें किसी पार्टी तो मतलब सभी होगी, मशीनें में खराबी करते हैं। मेरा तो 100% 1% नहीं 100% जितने बूथ में के नाम से 104 वोट है, 180 पोल हो, पीछे से वही होगी ये बात आपकी नजर में आई है बैलेट पेपर से होना चाहिए जीत, तो हमें न्यू मानना हमारा अधिकार है वोट का, नहीं तो भाई आप तो को अपना बारे में बोल सकते नहीं, ना किसी पार्टी के बारे में बोल सकते नहीं, और फिर खुद का भला तो जी चाहवांगे नहीं, जिद मारे हिसाब किताब की कोई सरकार आओगी, हमारे हिसाब किताब की सरकार आवे ही नहीं गी, तो हम खुद का भला किस तरह चाहवांगे। सरकार को 10 साल हो गए, नीतियां कुछ ठीक हैं कि नहीं है 10 साल भाई? नीति आपने देखा है 10 साल तो? हाँ 10 साल एक नीति तो इसी है जो के नाम से ठीक हो, मतलब 100 गलत भी तो है, एक नीति ठीक है तो 100 गलत भी है, सारी सबके लिए सारी बराबर को नहीं होती नीति, किसी का कीमे ठीक, किसी का लोन माफ हो जाए वो ठीक, किसी का लोन माफ ना हो वो ठीक, क्यों उसने ले गुंद रखा। बाकी आप भाई साहब से पूछने लग रहे पेट्रोल के महंगाई के बारे में, तो आपने बेरा है आसमान पर टांग रखा सब में, लेकिन हम जाते हैं आम आदमी होगा आजकल ये हो गया भाई महंगाई तो टाइम के साथ बढ़ती है, ऐसा कुछ नहीं है, लोग मानने को तैयार नहीं कि महंगाई बढ़ी है। अच्छा जी, लोगों के विचार हैं? चलो लोगों के विचार होंगे, लेकिन एकदम से इतनी महंगाई, मेरे पास मैंने पंप लगाया पीछे पेट्रोल पंप, मैंने उसमें कितना लॉस खाया, 65 रुपये में पेट्रोल लिया उस टाइम, और उस टाइम घटदा ना 81 रुपये पेट्रोल आया और घटदा 64 ले दिया 1.5 महीने में, इतनी महंगाई तो नहीं घटनी चाहिए, और फिर एकदम के नाम से ऊपर ले आए, खडम पड़ा था वो, तो खडम पड़ा इतना लॉस, 10 लाख रुपए का लॉस हो गया मेरा, खडम पड़ा। अब चुनाव है 1.5 महीने बाद, क्या लग रहा है सरकार बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? भाई मेरा हिसाब तो बदलनी चाहिए, किसी हो चाहे या पीछे कांग्रेस होती नहीं तो भी तो बदली है, 10 साल में कोई नया आदमी आओगा नहीं, कोई भी पार्टी नहीं आदमी, नया आदमी आओगे तो काम भी करेगा कि मिन की मिन नहीं, और वह करेगी तो मरोड़ में आओगी, कोई घमंड हो जाएगा, मतलब हाँ घमंड हो जाएगा, सरपंच बना दें आप, 2 साल 2 योजना किसी ने सरपंच बना दिया नहीं, नमस्ते करने तो दूर की बात, नमस्ते लेना के नाम से पसंद को नहीं करता। नरेंद्र मोदी के सामने क्या लग रहा है, राहुल गांधी कोई चुनौती दे सकते हैं राहुल गांधी किसी के बारे में कुछ को नहीं कहते? अच्छा सारे एक से है भाई साहब, राम राम। ठीक है भाई, ठीक है भाई साहब, ठीक है जी। भाई साहब क्या लग रहा है आपके लिए सरकार क्या करे अगले 5 सालों में कि आपकी जिंदगी में सहूलियत हो जाए, युवाओं को रोजगार दे और किसानों के लिए जो उसके अच्छे से अच्छा करे, और मतलब पानी की सुविधा बिजली की सुविधा अच्छी रखे,
तो मतलब इससे देश की तरक्की हो। आपके घर में क्या समस्या है जो ये सरकार नहीं सुलझा पाई? अपने घर में कोई समस्या कौन जी सी जो नहीं सुलझा सके ना, आप उम्मीद रखा जी सुलझाने की, खुद सुलझा लिया। महंगाई बड़ी है? महंगाई तो देखो जी समय के साथ बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय को नहीं। फर्क पड़ा है कोई जेब पे महंगाई बढ़ने से? कोई फर्क कौन पड़ा जी, पहले भी खाली थी, भी खाली जी। अब इलेक्शन आ गया, सरकार बदलनी चाहिए कि यही रहनी चाहिए सेंटर में? सरकार देखो जी अच्छी है, सरकार यही रहनी चाहिए जी। अच्छा अच्छी है, संतुष्ट होकर? हाँ संतुष्ट। तो भाई ये यहाँ पर लोगों के विचार हैं, आ जाओ बाहर और देख लेते हैं। भाई साहब राम राम। ठीक हो भाई साहब? बढ़िया भाई, ऐसे बेहतर आगे यही खड़े रहेंगे ना? बेहतर खड़े हो जा रहा है, राम का लाइट रूट दर्शो भैया। अच्छा भाई साहब इलेक्शन आ गया, क्या लग रहा है, काम हुए हैं 10 सालों में कि नहीं हुए? काम तो हो रहे हैं, मना नहीं कर रहे, लेकिन यार थोड़ा हम चाहते हैं कि हॉस्पिटलिटी सबसे बेस्ट हो, स्वास्थ्य के ऊपर काम हो एक तो, और एक फ्री एजुकेशन हो। बाकी आओ तो मोदी भाई कोई दो राय नहीं इस बात में, हम तो कितना सोच लिया। बाकी मैंने जहाँ तक लगा एजुकेशन और स्वास्थ्य पे ज़्यादा काम होना चाहिए। लेकिन ये बात क्यों सुनने में मिलती है कि लोग बोलते हैं कि भाई हम वोट नहीं देंगे लेकिन फिर भी आएगा तो मोदी? भाई सारे नाटक हर फिर देंगे सारे, ये भाई इनका काम ही हो भाई। इमकाल केजरीवाल ने भीतर गिर दिया ही ना है, वैसे तो है तानाशाही, मैं जहाँ तक मानता हूँ, बाकी इनकी सोच है। बाकी आप लोग खुश हो तानाशाही से? भाई ऐसा देखो इस गली में आड़े खड़े होके देखो भाई, और तने सीधा स्ट्रेट दिखा, कोई मानस नहीं दिखा है तना आड़े, काम बिल्कुल ठप है, लेकिन फिर भी लोग मोदी मोदी कर रहे हैं। इवन मैं भी मोदी का सपोर्टर, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन पता नहीं अब इन सालों में पिछले में क्या दिक्कत आई है। अरे ये मैं कह रहा हूँ कि भाई 5 साल और सरकार अगर आ गई इनकी, जैसे आप बोल रहे हो अभी ये नेताओं को अंदर डाल रहे हैं जो तानाशाही, आपने बोला शब्द, तो अगर आपको लगा आने वाले 5 साल में क्या आम पब्लिक को परेशान नहीं करेंगे? इस हिसाब से तो मेरे को लग रहा है कि परेशान होगी पब्लिक, क्योंकि काम धंधा बिल्कुल ठप हो गया है, सारा सोशल मीडिया का टाइम हो आ चुका है। बाकी देखते हैं अभी क्या होता है अगली 5 साल, वोट मोदी को ही है, अभी मना नहीं कर रहा मैं वोट नहीं दूंगा। काम हो चाहे ना हो, काम तो देखो मेरी प्राथमिकता ही है सबसे पहले कि हॉस्पिटलिटी हो सबसे बेस्ट, स्वस्थ शरीर रहेगा तो आदमी काम करेगा, फ्री एजुकेशन हो। अभी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो इतनी फीस होती है, एफर्ट नहीं कर पाता एक बंदा, ना कोई कस्टमर्स का रुझान आ रहा है इस टाइम, तो हम ज़्यादा मेरी प्रायोरिटी रहेगी हॉस्पिटल और स्वास्थ्य के लिए और एजुकेशन के लिए, इन दोनों के लिए काम हो हम वोट देंगे। लेकिन काफ़ी सुनने में आया कि हरियाणा में जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो उनको ही प्राइवेट किया जा रहा है अब? भाई ये सारा क्या प्राइवेट करके छोड़ देंगे? आप तो फ्री बोल रहे हो, आएगा तो मोदी? आओगा मोदी है भाई, दिमाग में बिठा दिए लोग हमारे, आपके दिमाग में बिठा दिए। हाँ तो आप लोग मीडिया को देखना छोड़ोगे तभी तो होएगा ना। अभी क्या है कि मोदी ने अब जैसे हम ना चाहते हुए वोट दे देंगे, क्योंकि जो जैसे बिहारी महेंद्रगढ़ लगता है हमारा, अब धर्मवीर जी है वहाँ पर, तो मतलब मैं उनसे मिला भी हूँ कई बार, और मुझे लगता है भी वो उस इंसान को वोट दे रहा हूँ मैं, समझ रहे हो, वो किस पार्टी से है मुझे कोई मतलब नहीं, मैं उस इंसान के चेहरे को वोट दे रहा हूँ, लेकिन अब वो है बीजेपी से तो मुझे देना पड़ेगा बीजेपी को वोट, मजबूरी है, मजबूरी मान लीजिए मेरी, तो मैं धर्मवीर नाम के चेहरे को वोट दे रहा हूँ ना कि मैं मोदी को दे रहा हूँ। हाँ मुझे ऐसा लगता है, मैंने अपनी राय दी है, मेरे परिवार में इसका कोई लेना देना नहीं, मैं अपनी खुद की बता रहा हूँ। चलो धन्यवाद भाई साहब। चलो बहुत बहुत। तो भाई अभी लोगों का ये है कि लोग बोल रहे हैं कि हमारे माइंड में बैठा दी गई है ये चीज़ कि भाई मोदी जी ही हैं प्रधानमंत्री के रूम में और कोई है ही नहीं, तो लोगों का माइंड ये बना दिया गया है। और पूछ लेते हैं, उस तरफ बैठे हुए हैं ताऊ जी, पूछ लेते हैं इनसे क्या रिपोर्ट है, क्या सोचते हैं ताऊ। तो देख दे उठ उठ की बात जाऊँ पहले भाई। पूछ लेते हैं भाई साहब राम राम। ठीक हो भाई साहब? बिल्कुल बढ़िया जी। कैसे हैं काम वाम? ठीक है, कुल मिला के अच्छे हैं। ठीक है, हाँ जी। अब इलेक्शन है, 1.5 महीने बाद नई सरकार बनेगी जून में, क्या लग रहा है आने वाले 5 साल में क्या क्या काम हो जो अब तक नहीं हो पाए? काम तो ओवरऑल ठीक है, बस जॉब के ऊपर थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए। जॉब के ऊपर? अच्छा, युवाओं के लिए? हाँ युवाओं के लिए थोड़ा सा जॉब पे। और कोई काम जो ना हो पाए हो जो आपको लग रहा होना चाहिए? नहीं, काम अच्छे हैं, सारी जगह से किए, कुछ मेडिकल में भी ठीक किए गरीब परिवारों के लिए, ये है थोड़ी सी छटनी करके जॉब है युवाओं को रोजगार, बस यही काम है, और तो ओवरऑल अच्छे हैं सारे, कई माइनस पॉइंट नहीं है। अब चुनाव है तो सरकार बदलनी चाहिए कि यही रहनी चाहिए? सरकार यही रहनी चाहिए। सरकार यही रहनी चाहिए? हाँ। संतुष्ट है इस सरकार के काम? हाँ बिल्कुल संतुष्ट है। अच्छा,
अच्छा काम हुए हैं मतलब? हाँ काम हुए हैं जी। आपको क्या लगता है अभी तीन अच्छे काम भाजपा के क्या हैं पिछले पाँच सालों के? एक तो देखो आयुष्मान कार्ड का काम अच्छा है, एक जो रोड की कनेक्टिविटी की है ना, आज छोटे से गाँव को भी शहर से जोड़ दिया गया, सबसे अच्छा काम है। एक है डेवलपमेंट बहुत हुआ है, हर जगह बिल्डिंगें नहीं है, देश के बारे में पहले नहीं पता था आम बंदे को, उतना हद से ज़्यादा बताया गया है, जो सारी चीज़ें खुल के आ रही है आम व्यक्ति के पास। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब, क्या लग रहा है भाई साहब पिछले पाँच साल में काम हुआ है कि नहीं हुआ कुछ? खूब हुआ है। खूब हुआ है, क्या क्या हुआ? खूब राशन देने लग रही सरकार। अच्छा। और खूब रोड बनवा दिए नए कच्चे, कड़े भी आ जा सका, कोई दिक्कत को नहीं। ऐसा नहीं लग रहा भाई राशन दे रहे हैं तो उसके बदले में पेट्रोल हो सिलेंडर हो सारी चीज़ें महंगी कर दी गई हैं, उनके टैक्स ही वसूल किए और वो राशन दे रहे हैं आपको? महंगा तो लग रहा है, फिर काम भी तो बढ़ गया, रोजगार भी तो बढ़ रहा है। रोजगार बढ़ रहा है? हाँ। महंगाई जो बढ़ी है उसका कुछ फर्क पड़ रहा है जेब पे कि नहीं पड़ रहा? कुछ खास फर्क नहीं जी। कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा? नहीं जी। देखो महंगाई तो है दर टू दर जा रही है, ठीक बात है इनकी, पर कुछ चीज़ों में बदलाव भी हुआ है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैं नौवीं में था ना, मेरा गांव 80% बाहर में जो बूढ़ी औरतें हैं लेडीज हैं, बोतलें लेके लोटे लेके जाने की एक प्रथा सी थी गांव में, लेकिन पिछले 8-9 सालों में ये सुधारा, आज एक भी व्यक्ति जंगलात वहाँ नहीं जा रहा है, हर घर में टॉयलेट है, ये सबसे बड़ा काम है। देखो आप महंगाई दर जा रहा है, थोड़ा सा सिलेंडर है पेट्रोल पेट्रोल करना चाहिए, पर ठीक है दर के हिसाब से बढ़ रहा है, पिछली सरकारों में भी बढ़ा है, ये नहीं है कि नहीं बढ़ा एकदम बढ़ा है, थोड़ा थोड़ा चल रहा है। राजस्थान में वही सिलेंडर 450-500 का मिलता है और हरियाणा में और पूरे देश में वो 1100-1100 का मिल रहा है। हाँ ये गौर करना चाहिए सरकार को, ये नाइंसाफी हो रही है एक हिसाब से। तो आप भी दुकान वाले हो, अगर कोई चीज़ आपकी 15 रुपये में बिक रही है और वो 5 रुपये की है तो आप 15 रुपये में नहीं बेचोगे उसको? नहीं, बस मैक्सिमम मार्जिन होनी चाहिए। चाहे मोदी की मैं कर दी हूँ आदमी नहीं बोल रहा है, मैं अपना सच्चे बताऊँ, बाकी मैं और बीमार भाई, देख ये भाई और बता देगा। मतलब आप लोगों को कबूल है भाई, वो जो भी करें आपको कबूल है भाई? अच्छा हो बुरा हो सब कुछ कबूल है? बुरा कबूल नहीं है भाई साहब, अच्छा बोल ही रहे, बुरा में भी कबूल है, अच्छा करे हम ये करते हैं, अच्छा हो, किसी पार्टी विशेष से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो भी सरकार आए काम अच्छा करे। रीजन एक और भी है भाई साहब, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है ना देश में, पार्टी है आप अब हरियाणा की मान लो, मतभेद ही नहीं सुन रहे, छोटा नहीं है अब वो, सबसे बड़ी समस्या है काम दाम, सबसे सुहाने की मेन गली है, इस गली में कोई दुकान खाली को रहने दी, ये देख शामली चार भी नहीं, किराए भी कौन चटे, काम धंधे जमा ठप है, मेन मेन बेरोजगारी की समस्या है और कोई समस्या नहीं भाई, काम बड़ी समस्या ये है, बेरोजगारी बड़ी समस्या है भाई, आज के युवा बिल्कुल बेरोजगार अंडे हैं, प्राइवेट सेक्टर कर दिया सारा, बिल्कुल कर दिया, लेकिन काम तो को नहीं, उड़े भी 2-5-5,000-7,000 रुपये हम नौकरी उड़े घर खर्चे को खर्चा लेंगे भाई, आगे आगे तो यही करेंगे सारा प्राइवेट ही कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे भाई, इनका आत्मा है ये, क्या बताऊं भाई, इनकी चल रहा है सरकार है, फिर भी वोट डालेंगे लोग? हाँ डालेंगे भाई, वोट डालेंगे भाई साहब, और जीतेंगे एक तरफा, जीतेंगे 500 की सीट है ना, 600 भी आसकिन की भाई जी, हाँ मैं बताऊँ ना उन्हें जीतेंगे एक तरफा ही, कोई दोहरा नहीं इस बात में, ना मैं किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा, ना मैं कांग्रेस ही, ना मैं कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं है, बन भाई जो भी आओ काम करो भाई, हमें तो यह रिक्वेस्ट करा सब तय, चाहे किसने बना दो उठा कि PM बनाओ, CM बनाओ, MLA बनाओ, मंत्री बनाओ, हमने कोई मतलब नहीं, लेकिन जो आओ बस अच्छा काम करो, ताकि आने वाली पीढ़ी बोले भाई हाँ सरकार ने कुछ हमारे लिए किया, हमारे पापा ने हमारे लिए किया भैया सरकार की सहायता से। भाई साहब मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, मैं ये काफ़ी दिनों से हम सर्वे कर रहे हैं, कहीं भी फैक्ट्स देखने को नहीं मिलते, तर्क नहीं है, मतलब बात सिर्फ एक ही है कि हम मोदी को वोट देंगे, कोई तर्क नहीं है। रीज़न एक है भाई साहब इसका मैन, क्योंकि कंपटीशन नहीं है, बचा ही ऑप्शन एक है, रीजन है बहुत बड़े बड़े नेता हैं यार, नेता रियलिटी की बात ये है कि अब चुनाव कितने दिन बचे हैं, मोदी का नाम आ गया, बीजेपी को वोट दे रहे हैं, दूसरी पार्टी प्रचार के लिए नहीं आ रही, वोट कौन देगा? उनके अकाउंट ही बंद कर रखे हैं। अरे प्रचार के लिए तो आओ, प्रचार तो उनके खाते बंद कर रखे हैं। ये नहीं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी थी कांग्रेस पार्टी की, हमने देखी, वो बोल रहे हैं भाई हमारे खाते बंद कर दिए, हम अपने खातों से 1 रुपया भी नहीं निकाल सकते, चुनाव प्रचार करेंगे कैसे आप ये बताओ? अरे
कैंडिडेट है, 10-20 है, जो भी है, एक बार धरातल पे तो उतरे। धरातल पे तो जब पार्टी फंडिंग करेगी, फंडिंग के मेरा आप भी जब दुकान से बाहर जाते हो, अपने घर पे जाते हो, तो पेट्रोल डलवाना पड़ता है बाइक में। अरे पेट्रोल डलवाना पड़ता है यार, पैसे चाहिए होते हैं ना। ये नहीं है किसी को टिकट मिलेगी वो कुछ भी नहीं कर सकता। कर सकता है, धरातल पे आओ, अपनी विचार रखो, पर रीजन वो है कोई विचार नहीं रख रहा है, कंपटीशन नहीं है, काम धंधा नहीं है ना। हम भी फर्स्ट एड और कैसे बता रहा हूँ आपको, वोट आप बीजेपी को दोगे? भाई वोट का तो भाई मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, मैं धर्मवीर के चेहरे को वोट दे रहा हूँ, मेरे को मोदी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा। मैं उस बंदे से वैसे कनेक्टेड हूँ भाई। आप बोलो फिर उनको काम धंधे की, काम धंधे मैं सिफारिश नहीं लगवाना चाहता, रीजन यही है, चेहरा आ गया वोट जा रही है, काम धंधे की एक में मैंने इसमें कमी निकाल दी, लेकिन वोट उसी को जा रहे हैं। और यार कोई काम मतलब पॉलिटिक्स में कोई किसी का नहीं होता, क्या पता कल को धर्मवीर भी कांग्रेस में आ जाए, कोई किसी में चला जाए, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम उसके फेस को वोट दे रहे हैं, हम उसी से उम्मीद करते भी अच्छा काम हो हमारे एरिया में। जेपी दलाल जी जैसे MLA बहुत अच्छा काम किया, रियलिटी है बीजेपी। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, जेपी दलाल ने बहुत अच्छा काम किया है, मतलब काम उन्होंने काम किया है, और हम बिल्कुल जो जेपी दलाल जी है हमारे एरिया के कृषि मंत्री है, इन नहरों में पानी बार त्योहार आता था, आज ये है कि नीचे से पानी वाली समस्या तो हमें पता, पानी वाली समस्या सॉल्व कर दिया आपके एरिया की। चलो धन्यवाद भाई साहब, ताऊ जी बैठे थे यहाँ पे, आ जाओ भाई उसी साइड आ जाओ, आगे तो कहाँ ही चलेंगे। भाई साहब राम राम, ठीक हो? बस बढ़िया भाई, बढ़िया हो? बस अपने से करते हो भाई साहब, बढ़िया हो? बता दी भाई ना मारे, सुनाई सुनो भाई, सुनाई सुनो, क्यों बता भाई बोल, कौन अच्छा लगता है, कौन सा नेता अच्छा लगता है बताओ, बता दे। राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? सोच ले जल्दी बता, लाइव चल रहा है। राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी अच्छा लगता है। पूछो भाई तेरे को कौन सा नेता अच्छा लगता है? मोदी। बच्चों को बताए मोदी का है। हाँ जी भाई साहब राम राम, ठीक हो क्या? अरे इनसे कर ली आप, बाकी हो ना यार, लोग बोलते क्यों नहीं है यहाँ के लोग हैं? भाई साहब राम राम, ठीक हो भाई साहब? बढ़िया फर्स्ट क्लास। भाई साहब नई सरकार आओगी 2 महीना बाद में, क्या लग रहा है क्या काम आपके लिए करे भाई, जिंदगी सही हो जाओ, और क्या काम करने चाहिए जो नहीं हुए? भाई बेरोजगारों को रोजगार दे दे, फर्स्टली तो ये हो गया, सेकंडली गरीबी मिटा दे, मैन बस यही है, और बाकी तो रोजगार दे देगी सभी को तो ठीक ही है देखो। अच्छा। हाँ। क्या लग रहा है सरकार यही रहनी चाहिए बदलनी चाहिए? बदलनी चाहिए, यही नहीं रहनी चाहिए। हाँ सेंटर में। हाँ कौन होना चाहिए देश का प्रधानमंत्री? देश का प्रधानमंत्री भाई अरविंद केजरीवाल होना। हाँ। राम राम भाई साहब। राम राम साहब राम राम, ठीक हो? बिल्कुल मौज। क्या लग रहा है भाई काम धंधे कैसे हैं, कुछ फर्क है क्या? काम धंधे नॉर्मल है, कुछ ज्यादा वो बात को नहीं, कोई ज्यादा बात नहीं है ना। क्या लग रहा है 5 साल में आगे क्या काम और होने चाहिए भाई, जिंदगी जिससे अच्छी हो जाए, विकास हो, मतलब देश का क्या लग रहा है? देश के युवा को रोजगार दिलाए सरकार, सबसे पहले तो मेन प्रॉब्लम यही है, बाकी बात बाद की। क्या लग रहा है सरकार बदलनी चाहिए कि यही रहनी चाहिए आपकी? सेंटर में है तो ठीक, अभी वो रात केजरीवाल को डाल दिया जेल में। डाल दिया, ये सरकार की ही नीति लग रही है इसमें, पता नहीं वो तो बाकी तो ईडी वाले जाने, पर ऐसा करना गलत है मेरे हिसाब से तो। मतलब सिंपैथी जुड़ेगी केजरीवाल के साथ में इस बात से? बिल्कुल जुड़ेगी बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री यही रहना चाहिए, बदलना चाहिए देश का, अब 2 बार मौका दे दिया इनको प्रधानमंत्री, देश का विकास तो कराना है तो सरकार चेंज करनी चाहिए, 2 बार होगी इनको, एक बार में घमंड आ जाता है। अच्छा, बाकी बदलनी चाहिए, बिल्कुल बदलनी चाहिए। चलो धन्यवाद भाई साहब। तो भाई ये मिली जुली सी राय है लोगों की, आधे लोग बोल रहे हैं कि सरकार बदलनी चाहिए, आधे लोग बोल रहे हैं कि सरकार यही रहनी चाहिए, और फुल एंड फाइनल तो ये मार्केट है, शाम का वक्त है यहाँ पे, और सभी भाई साहब राम राम, ठीक हो भाई साहब? उनसे कर लिया आप, ये बताओ कि भाई काम वाम हुए हैं कि नहीं हुए 5 साल में? काम तो हुए हैं। सरकार यही रहनी चाहिए कि बदलनी चाहिए? वो के पास को। फिर भी आपका आइडिया क्या है भाई सेंटर में? आइडिया साइलेंट वोटर कुछ करते हैं। अच्छा तो भाई अंकल जी तो साइलेंट वोटर हैं। हाँ जी मैम राम राम। राम राम जी, ठीक हो? हाँ जी बढ़िया। क्या लग रहा है 5 साल में कुछ काम किए सरकार ने, नहीं किए? बहुत कुछ किया है। क्या किया है, 2-3 काम बता दो।
पानी की सप्लाई ढंग से आने लगी, ठीक है। और सड़कें क्या हुआ, बीच में ही छोड़ के चले गए यार, दो तीन काम पूछे थे। ताई राम राम, राम राम, ठीक हो? क्या था नु, क्या था कवा भाई, डर के नु क्या था कवा भाई ताई डर की भाई। तो भाई ये मार्केट है सिवानी का, और यहाँ पर लोगों ने बताया है कि भाई जो सरकार है उसने कितने काम किए हैं, आगे जो है वो किसकी सरकार आनी चाहिए, सरकार से लोग खुश हैं कि नहीं खुश हैं, ये लोगों की राय है। और यहाँ पर और तो कोई दिखा नहीं मेरे को ऐसा। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दो आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग खुश हो कि नहीं हो, सरकार यही रहनी चाहिए या फिर बदल जानी चाहिए, जनता जनार्दन है, जनता ही बताएगी किसकी सरकार आएगी। कमेंट बॉक्स में अपने अपने विचार। K9 मीडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए।